प्रिय श्रोताओं, हमारे धार्मिक ग्रंथों में नरक, नरकासुर और नरक पूर्णिमा का वर्णन मिलता है। नरकस्ता या नरक नदी बैतरणी को कहते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन तेल से मालिश कर स्नान करना चाहिए। इसी तिथि को नरक का दर्पण किया जाता है। सवाल यह उठता है कि आखिर नरक और स्वर्ग क्या है? नरक की सजा सच है या झूठ? अगर आप सभी इस बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इस अध्याय को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल यूजफुल जानकारी के इस अध्याय में। प्रिय श्रोताओं, अगर आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आती है, तो कृपया आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल यूजफुल जानकारी को सब्सक्राइब कर लें। ऐसा करने से आप सभी को हमारी और भी अन्य वीडियो देखने को मिलती रहेंगी, जिनमें हम समय समय पर धार्मिक ग्रंथों में वर्णित ऐसी ही अनसुनी रोचक जानकारियों को आप सभी के सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हर एक मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ता है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही स्वर्ग का सुख और नर्क का दुख भोगता है। यदि वह बुरे कर्म करेगा तो बुरी जगह बुरी परिस्थिति में होगा, और यदि अच्छे कर्म करेगा तो अच्छी जगह और अच्छी ही परिस्थिति में होगा। आप सभी ने अक्सर देखा होगा कि बहुत से कीड़े मकोड़े किस जगह रहते हैं, और निश्चित ही तौर पर आपके सेप्टिक टैंक में बहुत से कीटाणु अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। इस संपूर्ण संसार में जो भी जीव जंतु प्राणी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वे सभी आपसे सिर्फ आकार और प्रकार में ही भिन्न है। आपका आकार श्रेष्ठ है, इसलिए आप श्रेष्ठ स्थिति में माने जाते हैं। लेकिन प्रिय श्रोताओं, आप अपने कर्मों के अनुसार अपनी चेतना का स्तर गिराकर जीव जंतु की योनि में जन्म ले सकते हैं। धार्मिक पुराणों के अनुसार जीव आत्मा 84 लाख योनियों में जन्म लेती है, अर्थात नीचे से ऊपर उठने की इस प्रक्रिया को ही उर्व गति कहते हैं। यदि मनुष्य अपने पाप कर्मों के द्वारा फिर से नीचे गिरने लगता है, तो इसे अधोगति कहते हैं। अधोगति में गिरना ही नर्क में गिरना माना जाता है। नीचे गिरना ही अपने आप में एक सजा ही है। जिस तरह हमारा शरीर जब रात में अचेत होकर सोता है, तब हम अनेक प्रकार के सपने देखते हैं। यदि हम लगातार बुरे सपने देख रहे हैं, तो यह नर्क की ही स्थिति है। यह हमारी मृत्यु के बाद अधोगति में गिरने का ही संकेत माना जाता है। दरअसल आप अपने जीवन में चेतना या फिर जागरण को ऊपर उठाते हैं या फिर नीचे गिराते हैं, यह सब आप पर ही निर्भर होता है। यदि अगर आप नीचे गिरेंगे, तो आपको नीचे के लोक में ही जीवन मिलेगा। अक्सर आपने अपने बड़ों से कहते सुना होगा कि स्वर्ग धरती के ऊपर है, तो नरक धरती के नीचे है, यानी कि पाताल लोक में है। इसे अधोलोक भी कहा जाता है। अधोलोक यानी के नीचे का लोक, ऊर्ध्वलोक का अर्थ यानी ऊपर के लोक का अर्थ, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। मध्य लोक में हमारा ब्रह्मांड है। सामान्यतः तौर पर तीन तरह की गति मानी जाती है, ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति, जो कि गति और अगति के बीच में आती है। पाताल के नीचे बहुत अधिक जल है और उसके नीचे नरकों की स्थिति बताई गई है, जिनमें पापी जीव खुद ही गिरकर सजा पाते हैं। यूं तो नरकों की संख्या 55 करोड़ है, लेकिन उनमें रोरब से लेकर स्रो भोजन तक सिर्फ 21 प्रधान है। महाभारत में राजा परीक्षित इस संबंध में सुखदेव जी से प्रश्न पूछते हैं, तो वे कहते हैं कि राजन, नरक त्रिलोक के भीतर ही है और दक्षिण की ओर पृथ्वी के नीचे जल के ऊपर है। उस लोक में सुर के पुत्र पितृराज भगवान यम है। वे अपने सेवकों के साथ वहाँ रहते हैं और भगवान की आज्ञा का उल्लंघन ना करते हुए अपने दूतों द्वारा वहाँ लाए गए मृत प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार उनका फल दंड देते हैं। प्रिय श्रोताओं, श्रीमद् भागवत गीता और मनुष्य मृत्यु के अनुसार नरकों के नाम बताए गए हैं, जैसे तामिस्त्र, अंधशिस्त्र, रोबर, महारोबर, कालसूत्र, अंधकूप,
बैतरणी, अदबीची और आयापान। इसके अलावा सरकर्दम, रक्षोकण भोजन, सूलप्रोत, अवनिरोधन, पर्यावर्तन और सूची मुक्त। इस तरह ये और दूसरे कई मिलाकर 28 तरह के नरक माने गए हैं, जो सभी धरती पर ही बताए गए हैं। हालांकि कुछ पुराणों में इनकी संख्या 36 तक बताई गई है। इसके अलावा वायु पुराण और विष्णु पुराण में भी कई नरक कुंडों के नाम बताए गए हैं, जैसे कि बसा कुंड, तप्त कुंड, उप कुंड और चक्र कुंड आदि। इन नरक कुंडों की संख्या 86 है। इनमें से 7 नरक पृथ्वी के नीचे हैं और बाकी लोक के परे माने गए हैं। उनके नाम हैं रोरव, सीतस्तव, कालसूत्र, अभिची, लोकप्रष्ट और आबिधे। जैसा कि हमने जाना कि नरकों की संख्या 55 करोड़ है, लेकिन उनमें रोरव से लेकर शुकर, तप्त कुंड, लवण, प्रमी भोजन, भयंकर, लाल भक्ष, पापमय, पुई महा, फलसूत्र, स्वभोजन और प्रतिभा शून्य, पराविची और ऐसे ही और भी भयंकर नरक हैं। दरअसल ये धरती पर पाए जाने वाले वे भयंकर स्थान हैं, जहां आप नहीं जाना चाहेंगे या फिर आप जहां किसी दूसरे जंतु के रूप में जन्म लेना उचित नहीं समझेंगे। लेकिन यदि अगर आपने अपनी चेतना का स्तर गिरा लिया है, तो आप खुद ब खुद ही वहाँ पैदा होने वाले हैं, या फिर सूक्ष्म शरीर के रूप में ही वहाँ कुछ समय तक रहने वाले हैं। यदि अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आपके आसपास ही आपको नरक नजर आने लगेंगे, जहाँ कई प्रकार के प्राणी बहुत ही बुरी स्थिति में वहाँ रह रहे हैं। महाभारत की एक कथा के अनुसार युधिष्ठिर को भी एक दिन के लिए नरक में एक मुहूर्त रहना पड़ा। तब देवताओं के राजा देवराज इंद्र ने उनको बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से ही कुछ देर के लिए नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहाँ तुम्हारे भाई और दूसरे वीर पहले ही पहुँच गए हैं। तो देखा प्रिय श्रोताओं आप सभी ने कि आखिर नरक और स्वर्ग क्या है। हमारे इस अध्याय को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों और सगे संबंधियों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी पता लग जाए कि आखिर नरक और स्वर्ग होता है या फिर नहीं। और अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, जिससे कि हमारा हौसला और बढ़ता रहे। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल यूजफुल जानकारी पर नए आए हैं, तो कृपया आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब आप हमें इजाजत दें, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी रोचक जानकारी ढूंढकर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।